मनुष्य के मानस रूपी सरोवर में जब श्री राम नाम का फूल खिलने लगे तभी मनुष्य जीवन की सफलता है। लेकिन मनुष्य का मानस तामसी गुणों के प्रभाव में कलुषित हो जाता है और उसके मानस सरोवर में छल, छद्म, घृणा और द्वंद के बबूल उग आते हैं। समर्पण ट्रस्ट द्वारा विधान गार्डन परिसर में चल रही राम कथा के दौरान मारुति नंदन बागीश जी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा हमें मर्यादा में रहना सिखाती है, साथ ही यह मानव का सही मार्गदर्शन भी करती है। जो मनुष्य सच्चे मन से श्री राम कथा का श्रवण कर लेता है उसका लोक ही नहीं पर लोक भी सुधर जाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बहुत सत्कर्मों के बाद ही मनुष्य का जीवन मिलता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को इसका सदुपयोग करना चाहिए और राम नाम का जप करते हुए अपने लोक व परलोक को सुधारना चाहिए। कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा राम ही है। प्रवचन के दौरान महाराज जी ने कहा कि हमें अपने दाम्पत्य जीवन में गंभीर होना चाहिए। पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र, सास बहू सभी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। रामायण हमें मर्यादा सिखाती है। रामायण को प्रतिदिन श्रवण करने से मानसिक संतुलन ठीक रहता है। दुराचारी रावण की नकारात्मक सोच ने उसके पूरे कुल का विनाश कर दिया। जो मनुष्य तुलसी दल की शरण में आएगा वह हर प्रकार के दल दल से बच जाएगा। तुलसी की माला भगवान की पहचान है। हमें गले में तुलसी की माला पहनना चाहिए। गले में तुलसी की माला और मुख में राम, यही हमारे सकारात्मक भाव होना चाहिए। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि गुलाब का फूल दिखने में सुंदर है पर चखने में मीठा नहीं होता। गन्ना दिखने में सुंदर नहीं पर चखने में मीठा होता है। हमें अपना स्वभाव सुंदर और मीठा बनाना है तो भगवान राम की कथा कहना व सुनना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव मधुर, मनोहर और मंगलकारी हो जाएगा। कथा सुनने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। किसी की महिमा को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वाणी से, शब्दों से अपार हो नहीं सकता। हमारी वाणी तब फूटती है जब किसी की महिमा को जानते हैं। मानव शाकरों रस शाकर का महिमा हमारे श्रवणियों को, कानों को पुष्ट करता है, सुनने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए नवदा भक्ति है, पहली भक्ति है श्रवणम। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम। उसके बाद कीर्तनम। पहले श्रवण है, उसके बाद कीर्तन है। जहां देखो यत्र तत्र सर्वत्र सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। श्रोतव्य हो, उसके बाद कीर्ति तव्य। धन्य है आप लोग जो ऐसे श्रवण के महीने में राम कथा को श्रवण करने के लिए बड़े भाव से बैठे। रामचरित मानस की इस कलयुग में बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस के इस महात्म को महिमा को सुनाया। चिंतन करें, एनालिसिस करें, वो हिमालय के ऊपर स्थिर है लेकिन बाबा उसी का जो मानस सरोवर है वो स्थिर नहीं, वो चलता फिरता सरोवर है। अभी कलकत्ते में है, कलकत्ते के बाद फिर बैंगलोर में है, फिर कहीं है, फिर कहीं है, वो एक जगह नहीं, वो है मानस सरोवर।
कथा में मारुति नंदन बागीश जी ने समर्पण ट्रस्ट के ट्रस्टी नारायण प्रसाद डालमिया, निरंजन कुमार अग्रवाल, प्रदीप ढेढ़िया व आशीष मित्तल ने बागीश जी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन महावीर रावत ने किया। के अग्रवाल इस समर्पण ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ और हम लोग रामकथा करने जा रहे हैं। ये रामकथा 15 जुलाई से 23 जुलाई तक 2:30 बजे से दोपहर से 5:30 बजे शाम तक हो रोज होगी और इसमें हमारे बागेश जी हैं वृंदावन के, वो इस कथा को वाचन कर रहे हैं और बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं। समर्पण, जैसा कि नाम ही समर्पण है, तो हमारी संस्था का काम है लोगों की सेवा करना, मानव सेवा करना। कलकत्ता शहर में जहाँ भी जो कोई भी चीज़ की त्रुटि होती है तो हम प्रयास करते हैं उसको पूर्ण करने का, चाहे वो स्वास्थ्य के विभाग में हो, चाहे वो एडुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई निर्जन बच्चे हों, हम लोग तत्पर हमेशा लगे रहते हैं। पिछले 10-12 सालों से हम ये सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ अपना जो सनातन धर्म का आध्यात्मिक पहलू है, हम सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इस धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना हमारा उद्देश्य रहता है। समय समय पे हम भागवत कथा, राम कथा, भागवत के हर साल आप लोग करवाते हैं? प्राय अभी तक हम लोगों ने हर सारी करवा रहे हैं। इस बार भागवत कथा न करा के श्री राम कथा करा रहे हैं। भगवान श्री राम का नाम पुरुषोत्तम भी कहा गया है। पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? पुरुषोत्तम क्योंकि वो मानव नाम पे एकदम श्रेष्ठ नाम है पुरुषोत्तम। और अभी यह पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। कहते हैं पुरुषोत्तम महीना में, अपने सनातन धर्म में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुरुषोत्तम महीने में हम लोग जितना अधिक भगवान के श्री नाम का, ईश्वर का श्रवण करेंगे उतना ही हमें पुण्य प्राप्त होगा। और हम प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने इस महीने में, पुरुषोत्तम मास में, लोगों को कथा श्रवण करा के भगवान का नाम, श्री राम का नाम, श्री पुरुषोत्तम का नाम श्रवण करा के हम प्रयासरत हैं। यही हमारा उद्देश्य है। आने वाले समय में हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हिंदी के ऊपर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हिंदी को बढ़ावा न मिले, राष्ट्रीय भाषा है लेकिन राजभाषा नहीं है, हमें वो काम करना है और हिंदी को बढ़ावा देना। उसके ऊपर में हम लोग सितंबर महीने में भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं। आने वाले समय में आपने सुना होगा, आज हमारे यहाँ हमारे जगत गुरु शंकराचार्य पूरी से निश्चलानंद जी महाराज के, जो पूरे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट है, उनके संस्था के श्री प्रेमचंद जी आए थे और उन्होंने हमें ये आशीर्वाद स्वरूप दिया कि महाराज श्री ने समर्पण संस्था को चुना है कि कलकत्ते में विश्व कल्याण के लिए 108 महायज्ञ करवाया जाए। और ये यज्ञ हम प्रयास करेंगे कि दिसंबर के अंत में या जनवरी के पहले सप्ताह में कर सकें, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह लगेगी, एनवायरनमेंट की भी कई बातें हैं, तो इसके अंदर में सरकार भी हमारा साथ देगी, सरकार से इसका परमिशन लिया जाएगा और प्रयास करेंगे इसका कार्यक्रम। मैं पंकज कुमार, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी समर्पण एक ट्रस्ट है, उसके बैनर के नीचे हमने रामकथा का आयोजन किया है। इस तरह का आयोजन हम लोग काफ़ी करते हैं, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने बताया था कि समर्पण शब्द वैसा है जो अधिक मास अभी जो चल रहा है, इस टाइम में हम हिंदूवासी जो सनातन है उसके लिए ये मास जो है ना, दान धर्म का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और मैं आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस महीने में जैसे हमारे समर्पण के द्वारा जो रामकथा चल रही है उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें, और जो हमारे गुरुजी हैं उनके द्वारा जो रामकथा, राम जी का वर्णन किया जाता है, वैसे तो राम जी का वर्णन अतुल्य है, लेकिन हम जो मनुष्य रूप में जो प्रजाति जाति जो हैं उसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जो है उपकार होगा। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।